अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट नारियल के लड्डू और बर्फी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जैसे हलवाई बनाते हैं ना सॉफ्ट सॉफ्ट नारियल के लड्डू, वैसे ही हम भी बनाएंगे। और आप मेरी तरह से नारियल के लड्डू बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हम इसमें घी भी नहीं डालेंगे, चाशनी भी नहीं और इलायची का पाउडर भी नहीं। अगर आप लोग सोचते हैं कि आपके पास ये सब नहीं है, इलायची का पाउडर, घी और चाशनी नहीं बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल से मेरे तरीके से बनाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत इजी और आसान तरीके से बन जाता है। तो इसके लिए हमने चार नारियल लिए, ये देखिए बड़े बड़े नारियल, चार नारियल। इसको हम फोड़ लेंगे, इसका पानी अलग निकाल लेंगे और इसके छिलके जो है ना वो ऊपर वाले सख्त, उसको हम हटा देंगे। और फिर उसके बाद जो ब्राउन कलर का जो रहता है ना, ये छिलके निकालने के बाद, ये देखिए ये जो है इसको भी हम निकाल देंगे। ये रहने से क्या होता है कि काला काला दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि कुछ सादा सादा में कुछ है काला काला, इसलिए हम उसको भी निकाल देंगे। और निकालने के बाद हम इसको पतला पतला काट लेंगे पीस, छोटा छोटा पीस बना लेंगे, इसलिए ताकि मिक्सर में पीस आ जाए। देखिए हमने जार में ये डाल दिए हैं और अब हम इसको पीस कर ले आते हैं। तो हम सारे नारियल को इसी तरह से पीस लिए हैं, ये देखिए। और चलते हैं अब हम इसको बनाने गैस की तरफ। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए, लो हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं, नहीं तो हमारी नारियल जल जाएगी। अब हम इसमें 3 प्याला नारियल डाले हैं, कच्चा नारियल है ये। अब हम इसको मैंने मीडियम पर ही, मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे हल्का हल्का। और जब ये थोड़ा भुना जाए तो हम इसमें 2 चम्मच नारियल पर, 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालें और इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम 1 प्याली चीनी लेंगे, क्योंकि हमने 3 प्याली नारियल ली है ना, तो इसमें 1 प्याली चीनी ठीक रहेगी, मतलब हिसाब से बराबर रहेगी, ऐसे बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। अगर आपको कम खाना है तो आप कम डालें इसमें। अब हम चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी हमारा पिघल जाएगा और नारियल में मिक्स हो जाएगा, जब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जब चिपचिप हो जाए, जब इसका पानी सूख जाए और ये चिपचिप हो जाए, तब हम इसको उतार के रख लेंगे। अब हम इसको उतार के रख लेते हैं, हम लड्डू बाद में बनाएंगे जब ठंडा हो जाएगी तब। और हम फिर से चलते हैं बर्फी को बनाने के लिए। तो हमने इसमें 1 प्याला नारियल डाला है। अब हम इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर ही इसको हल्के हल्के भूनेंगे। हमने ये 1 प्याली नारियल ली है, इसीलिए हम इसमें चीनी थोड़ा सा ही डालेंगे। अगर आप इस तरह से नारियल की बर्फी और लड्डू बना कर खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगती है और बहुत इजी तरीके से बन जाती है, कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं, बहुत आराम से बनती है ये।
ये देखिए हमने ज़रा सा ही चीनी डाले हैं इसमें, ये आधी प्याली से भी कम है, मतलब एक प्याली का एक हिस्सा हमने इसमें डाले हैं। डाल के इसको मिक्स कर देंगे और हम इसमें पाउडर दूध डालेंगे, वो जो पाउच आती है ना 5 रुपए वाली, वही हमने डाली है 5 पैकेट। हमने हल्का गर्म पानी करके उसमें पाउडर घोर कर हम इसमें डाल दिए। अब हम इसमें जो पानी है इसको हम सुखा देंगे। आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसमें घी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। और अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो हम नहीं डाले हैं। ये देखिए हमारा नान सूख चुका है, थोड़ा और सूख जाएगा तब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और इसको जमाएंगे। ये देखिए ये पूरी मैंने तैयार हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो हमने प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा दिया है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से इसको उसमें सेट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से फैला दिए हैं और हाथ से अच्छे से चिकना कर ले रहे हैं, क्योंकि चिकना हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा पीस निकलेगा काटने के बाद। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और अच्छा पीस इसमें से निकले काटने के बाद। और अब हम चलते हैं लड्डू बनाने की तरफ। ये देखिए हम इस तरह से लड्डू बना रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान है नारियल का लड्डू बनाना, बहुत ही इजी है और बहुत ही तुरंत बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है इसमें, बस सिर्फ चीनी और नारियल होना चाहिए। इसी से हमारी ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। हमारी बर्फी भी जम चुकी है, ये देखिए हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छी निकल चुकी है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।